पीक विमा कंपन्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देत नसल्याचा अनेक वर्षाचा अनुभव आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये कमवणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करीत खासदार भावनाताई गवडी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उचलून धरला आहे. विशेष म्हणजे पीक विमा ही योजना स्वतः राज्य तसेच केंद्र सरकारने चालवण्याची सूचना सुद्धा खासदार भावनाताई गवडी यांनी लोकसभेत केली आहे. खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कापूस सोयाबीनचा तर लागवड खर्च सुद्धा निघाला नाही. परतीच्या पावसाने तर कहरच केला. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेली पीकही परतीच्या व ढगाळ फुटीच्या पावसाने नष्ट झाले. शेतकरी हा नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास आर्थिक मदत मिळावी व झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी याकरिता पीक विमा काढत असतो. यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल 4,67,021 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा कर्ज काढला. याकरिता केंद्र शासन राज्य शासन तसेच शेतकऱ्यांनी इफको टोकियो कंपनीकडे 16 कोटी रुपयाचा पीक विमा हप्ता भरला. संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना पीक विमा कंपनीने ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करणाऱ्या फक्त 9,676 शेतकऱ्यांनाच विम्याचा लाभ दिला. वास्तविक एक जिल्हा असताना विमा कंपनीने 16 वर तालुक्यात फक्त 100 प्रतिनिधींचा सर्वेक्षण करण्याकरिता नेमणूक केल्यामुळे लाखो शेतकरी नुकसानीचा दावा करू शकले नाही. नेमका हा मुद्दा सुद्धा खासदार भावनाते यांनी लोकसभेत मांडला. धन्यवाद सभापतिजी. मैं बहुत ही महत्व का विषय यहाँ पर किसानों का रख रही हूँ. जैसा कि हमारे सभी एमपीओं के अपने अपने राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन होता है, लेकिन हमने देखा है कि आजकल जो कंपनियां उस पर काम कर रही है, प्राइवेट कंपनीज है, मेरे यहाँ जो कंपनी है, मैं मेरे पर्टिकुलर क्षेत्र का भी बात करना चाहूंगी, उसमें रिलायंस और इफको टोकियो है कंपनी, और जिनका सर्वे जो होता है वो सर्वे किसानों का बिल्कुल ही वो सर्वे नहीं करती है. उसके कारण से क्या हुआ है, ये कंपनी आने के कारण ऐसा महसूस हमें होता है कि जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में फिर से आई है. और किसान फसल बीमा योजना, ये जो योजना है वो आपत्ति के वक्त पे किसानों को मदद करने के लिए ये योजना है. लेकिन हमने जो देखा है और मेरे इस वक्तव्य से मेरे सारे सांसद भाइयों भी समर्थन करेंगे कि सभियों के क्षेत्र में जिन्हें जिन्होंने ये इसका मुआवजा किया है, अड़ावा लिया है, तो उसमें यही देखने को मिला होगा कि किसानों को बहुत ही कम मुआवजा वहां पर मिलता है. मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी सभापति जी कि मेरे क्षेत्र में दो कंपनियां जो काम करती है, महाराष्ट्र में भी जो कंपनियां काम करती है, उनका सर्वे वाले जो लोग होते हैं वो केवल 16 अगर तालुकाज है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर 100 लोग 100 सर्वेयर उनके होते हैं. तो मुझे बताइए किसानों के इतने बड़े फसल का वहां पर कैसे सर्वे होगा, और ये सारे फेक सर्वे होते हैं. मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर ये मांग भी है मेरी कि जो सर्वे इन्होंने किया है वो ठीक से नहीं किया है, ऐसे कंपनी के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, उनका ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए. राज्य सरकार से मैंने वहां पर विनती की है, हमारे राज्य सरकार ने यहां पर एक प्रपोजल भेजा है कि ये जो योजना है, ये योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी यहां पर वो चलाए या स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दे, क्योंकि वो जो सर्वे होगा वो सही तरीके से सर्वे आएगा. सर्वे अगर सही होगा तो किसानों को वहां पर मुआवजा मिलेगा. लेकिन आज मैं देख रहा हूं, दो सेकंड और लूंगी मैं, आज मैं ये देख रही हूं कि किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है. सारे के सारे पैसे हड़प करने का कंपनियों का षड्यंत्र वहां पर चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर किसान चला गया, उसको अगर कोई मदद ही नहीं मिल रही तो कैसे चलेगा. तो मेरा ये यहां पर एक मांग है कि ये योजना जो है वो योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार चलाए और किसानों को राहत दे. धन्यवाद सभापति जी. या कंपनी विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून त्यांना ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकण्याची मागणी सुद्धा खासदार भावनाताई गवडी यांनी केली आहे. नैसर्गिक प्रकारांमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर ही विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नसल्यामुळे ही योजना स्वतः राज्य तसेच केंद्र सरकारने चालवण्याची परवानगी सुद्धा खासदार भावना गवडी यांनी लोकसभेत उचलून मांडला.